doing that. Punctuation means using the punctuation marks in an absolutely accurate manner. When I say accurate, आप किसी भी sentence को एकदम ठीक से लिखेंगे तभी वो punctuation बनेगी, ठीक है? तभी आपका sentence आपके reader को convey कर पाएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हो, आपकी बात खत्म हो रही है, शुरू हो रही है, आपके expressions क्या हैं? ये सब सिर्फ हमारे punctuation marks कर सकते हैं, ठीक है? So first is full stop. Okay. So full stop holds the purpose of ending a sentence. Okay. हमें ये sentence help sentence को end करने में help करता है. It always helps us to end a particular sentence that probably we are writing. Okay, it always helps us in that. Apart from that, full stop का काम एक और होता है, ठीक है? The first task, the first use is to help with ending a sentence. Okay, to show कि ये sentence खत्म हो गया और abbreviations में, ठीक है? और initials में. Abbreviations होते हैं किसी बड़े टर्म को छोटा करके लिखना, जैसे कि बड़े कॉमनली आप लोग लिखते हैं गवर्नमेंट, ठीक है? बड़े इजीली हम लोग लिखा जाता है लाइब्रेरी, ठीक है? सो ये सब क्या है, हमारे abbreviations हैं. अब initials में हम लिखते हैं, अब ये ईजी जो मैं लिख रही हूँ, दिस इज ऑल्सो एन इनिशियल, ओके? बिकॉज इट एक्चुअली इज फॉर एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल का ये इनिशियल फॉर्म है. अब इनिशियल्स और किस किस चीज के होते हैं? हमने कहा कि आई हैव डन मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश, एम ए इन इंग्लिश, ओके? सो दैट एम ए इज रिटन लाइक दिस. हाउएवर दीज डेज in certain places writing MA like this is outruled. You can simply like it write it like this, okay? It is not necessary to include dots there. However, if you write BEd, okay, or BSc, because it involves two different sentences, definitely you need require a full stop to write these kind of degrees, okay? Or positions at times, ठीक है? अब आप देखते होंगे हम जनरली पीएम लिखते हैं, तो पहले पीएम मींस प्राइम मिनिस्टर, ठीक है? हम लिखते थे तो ऐसे होता था, आजकल वी कैन राइट इट लाइक दिस. द वे आई सेड यू कैन राइट एम ए लाइक दिस. सो इधर यू राइट इट लाइक दिस और यू राइट इट लाइक दिस. द वर्ड हैज टू बी इन कैपिटल्स एंड द इनिशियल्स हैव टू बी रिटन, ठीक है? इनिशियल्स में लिखोगे जब भी तो वो कैपिटल में आएगा और एट सर्टन प्लेसेस फुल स्टॉप बीच में इंक्लूड होता है. Okay. However, आजकल according to the latest context, it is not compulsory to include a full stop while writing different initials. Okay. However, it applies to terms like B.Ed and B.Sc that you need to write a full stop in between. I hope I am clear up till here. So the first is that full stop marks ending of a sentence, ठीक है? It marks ending of a sentence and helps in writing abbreviations and also initials. Okay, so that is the main task that our full stop does. Okay, हमारा full stop ये main काम करता है. Then I talk about comma. So comma is equally important. Comma represents a pause, ठीक है? ये सब मैं अपनी भाषा में लिख रही हूँ, okay? I am just giving it easy terms so that everyone can relate to it. Easy terms में दे रही हूँ यहाँ पे सभी, ठीक है? तो comma represent करता है कि कोई pause है आपके sentence में, ठीक है?
आप कोई दो चीजें लिख रहे हो, तीन नेम्स लिख रहे हो, तो वहां पे आप कॉमा जो है यूज कर सकते हो, ठीक है। और बहुत छोटा सा पॉज होता है, पॉज फुल स्टॉप भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। पॉज हमारा क्वेश्चन मार्क भी रिप्रेजेंट करता है, एक्सक्लेमेशन भी रिप्रेजेंट करता है, बट कॉमा से छोटा सा पॉज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि आई एम कैरिंग अ बैग, वाटर बॉटल एंड अ सेट ऑफ कीज टुडे, ठीक है। सो इसमें मैं क्या कहूंगी, तीन चीजें मैंने बताई तो मैंने छोटा छोटा पॉज लिया जहां कॉमा बोला मैंने, और फुल स्टॉप के बाद पॉज जो है, आवाज जो है अपने आप बढ़ जाती है। तो सेंटेंसेस को इतने पावरफुली लिखना कि उनको जब आप पढ़ें तो आप उससे रिलेटेड पंक्चुएशन भी बोलें, ठीक है। पंक्चुएशन इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट व्हेन यू राइट, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट व्हेन यू स्पीक द सेंटेंसेस। मेनी टाइम्स आई नोटिस स्टूडेंट्स एंड पीपल, ओके, मेनी मैच्योर पीपल, दे जस्ट कीप ऑन रीडिंग समथिंग। अगर कोई आपके सामने रीड करे जा रहा है, एक पैराग्राफ मैंने रख दिया और उसे मैं रीड करे जा रही हूँ, तो आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज गिवन ऑन पेज 129 ऑफ योर बुक। Imagine you are a reporter, you have been asked to write a report on the attitude of the people of your city towards the environment. In order to do so, you want to design a question. मैंने ऐसे बोल दिया, स्पीड से बोल दिया, पॉज नहीं लिया, कुछ नहीं समझ में आएगा। इसी को मैं स्लो बोल दूंगी। Imagine you are a reporter, you have been asked to write a report on the attitude of the people of your city towards the environment. In order to do so, you want to design a questionnaire. ठीक है, this is the second way of speaking it. And the third way is, मैं बोलूं विद कंप्लीट एक्सप्रेशंस, इमेजिन यू आर अ रिपोर्टर, यू हैव बीन आस्क्ड टू राइट अ रिपोर्ट ऑन द एटीट्यूड ऑफ द पीपल ऑफ योर सिटी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। इन ऑर्डर टू डू सो यू वांट टू डिजाइन अ क्वेश्चनेयर। ओके, सो द वे दीज थ्री थिंग्स I have spoken the same set of words. शब्द सेम थे तीनों बार जो मैंने पढ़े, बट उनका अर्थ और उनको समझना बिल्कुल बदल गया विद द हेल्प ऑफ कॉमा एंड फुल स्टॉप। यही दोनों हमने कवर किया अभी तक। ठीक है, सो कॉमा रिप्रेजेंट्स अ शॉर्ट पॉज और रिप्रेजेंट्स द शॉर्टेस्ट पॉज, ठीक है, इन अ सेंटेंस। कई चीजों को अलग अलग करने में भी हेल्प करता है, बट दैट एवरीथिंग हैपेंस विद इन अ सेंटेंस, सेंटेंस के बीच में ही हेल्प करता है, ठीक है। जबकि बाकी चीजें जो कि हम कल करेंगे वो इस तरह से नहीं करती। देन आई टॉक अबाउट द एक्सक्लेमेशन मार्क। द वे आई मेंशन इन द बिगिनिंग, आई सेंड रोट फ्यू मैसेजेस एंड फ्यू इंक्लूडेड द एक्सप्रेशंस, ओके, and few did not include. So जहां पे expression होगा obviously आपको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। Whether good or bad, okay? So इस पे अगर मैं बात करूंगी exclamation mark पे, आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे आ, ठीक है, alas, bravo, one of my favorites. So, क्या करेंगे आप एक एक्सप्रेशन दे रहे हैं, तो एक्सक्लेमेशन मार्क एक इमोशन बताने में, एक फीलिंग बताने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ओके, आई मिस द बस। ठीक है, अब इसी की जगह मैं कहूं अलास, आई मिस द बस। ठीक है, सो द एक्सप्रेशन ऑब्वियसली चेंजेस। एक जिसे कहते हैं कि एक शील्ड, एक कवरिंग मिल जाता है आपके बात को, आपके शब्दों को इफेक्टिवली डिलीवर करने का। देन आर फेवरेट क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क क्या होता है, मोस्टली बच्चे क्वेश्चन लिखते हैं और भूल जाते हैं लगाना। ओके, सो क्वेश्चन मार्क हेल्प्स इन डिलीवरिंग क्वेश्चन। पेपर में एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे कोई सवाल पूछा गया है। ओके, इट हेल्प्स इन डिलीवरिंग अ क्वेश्चन, डिलीवरिंग और आस्किंग अ क्वेश्चन। ओके, सो दैट्स व्हाट दिस क्वेश्चन मार्क हेल्प्स अस इन डूइंग।
आई होप आई एम क्लियर अप टिल नाउ. ओके, सो इसी के लिए मैं एग्जाम्पल बताऊंगी. ओके, वेयर वर यू? ओके, वेयर आर यू गोइंग? वॉट आर यू हाइडिंग? Everything shows the expression of a question. सवाल पूछा जा रहा है तो सवाल के फॉर्म में है ना. मम्मी पूछती है ना क्या कर रहे हो, ठीक है, तो क्या कर रहे हो में एक कमांड भी है और एक सवाल भी आपको छिपा हुआ समझ में आ रहा है. तो क्वेश्चन मार्क जब तक नहीं लगाओगे तब तक क्लियर नहीं होगा. इमेजिन मैं क्वेश्चन मार्क हटा दूं और मैं फुल स्टॉप लगा दूं. मैंने पंक्चुएशन तो यूज करी है बट आई हैव यूज्ड इनकरेक्ट पंक्चुएशन, देन अगेन माय सेंटेंस विल बी कंसिडर्ड रॉन्ग. सो इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट टू यूज अ क्वेश्चन मार्क इन हियर. ओके, सो दीज फोर बेसिक साइंस वी आर डूइंग एंड वी हैव कवर्ड आवर वर्कशीट 1, 2, 6 इन दिस. ओके, सो दिस इज पार्ट 1 ऑफ पंक्चुएशन. रेस्ट वी विल कवर टुमारो. Okay. I hope I am clear up till now. If you have any doubts, you can quickly write them down.